सो हेलो फ्रेंड्स, फिर से मेरे चैनल डिमेटर पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं फिर से एक न्यू वीडियो आप लोग आया हूँ फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल पर नया है तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दी। तो फ्रेंड्स आप लोगों को कुछ इस टाइप की फोटो को क्लिक करवा लेना है या कर लेना है फ्रेंड्स, अपने फ़ोन से आप या कैमरे से भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स हम आ गए अपने पिक्सार्ट में। पिक्सार्ट में हम अपने बैकग्राउंड को यहाँ पे ऐड कर लिए फ्रेंड्स। उसके बाद ऐड करने के बाद यहाँ पे देखिए हम लोग चले जाएंगे ड्रॉ पे। ड्रॉ पे जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे, अपने मतलब मॉडल को यहाँ से ऐड कर लेंगे फ्रेंड्स। तो मैं मॉडल को पहले से इरेज करके रखे हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ से ऐड कर लेते हैं। अगर आप लोग को इरेज करना नहीं आता होगा तो वीडियो बनाए उस जाकर देख लीजिएगा पूरा फुल एचडी में कैसे इरेज करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ से हम मॉडल को सेट कर लेंगे। सेट हो जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से डन कर देंगे। डन करने के बाद यहाँ से देखिए एड फोटो भी जाएंगे। एड फोटो भी जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से हम अपने PNG को ऐड कर लेंगे फ्रेंड्स। ये बैकग्राउंड और PNG डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दिए हैं, वहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ से हम अपने PNG को ऐड कर लेते हैं। फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से अच्छे तरह से अपने फ़ोटो को PNG को सेव कर लेंगे। सेट करने के बाद देखिए यहाँ से अच्छे तरह से सेट करेंगे अपने फ़ोटो को, जूम आउट करके, जूम इन करके। अब फ्रेंड्स यहाँ पे स्नेक है जो यहाँ से जूम कर लेंगे। यहाँ से अच्छे तरह से यहाँ से जूम करके फ़ोटो को, स्नेक को यहाँ पे लगा देंगे। उसका देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इरेज पे जाएंगे। इरेज पे जाने के बाद इनवाइट पे क्लिक करेंगे, अपने फ़ोटो को जूम करके यहाँ से रिस्टोर कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से डन कर देंगे। डन करने के बाद यहाँ से फिर से हम लोग यहाँ से डन कर देंगे। फिर से फ्रेंड्स हम लोग एक और PNG को यहाँ से ऐड कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ से डन कर देंगे। डन करने के बाद यहाँ से चले जाएंगे ड्रॉ पे फ्रेंड्स। ड्रॉ पे जाने के बाद यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, अपने फोटो को सेव कर लेंगे। चले जाएंगे लाइटरूम के अंदर। फ्रेंड्स हम आ गए अपने लाइटरूम के अंदर। लाइटरूम के अंदर आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे लाइट क्लिक करेंगे, हाइलाइट्स को हल्का से कम कर देंगे, शैडो को इंक्रीज कर लेंगे फ्रेंड्स, ब्लैक को भी हल्का से इंक्रीज कर लेंगे, व्हाइट को भी हल्का से इंक्रीज कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स चले जाएंगे इस पर, देखिए मिक्स कलर पर जाएंगे। कलर पर जाने के बाद यहाँ पे मिक्स पे जाएंगे। उसके बाद दूसरे वाले नंबर पर आकर सैचुरेशन को माइनस करेंगे फ्रेंड्स, एल्यूमिनियम को हल्का से इंक्रीज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे होने के बाद ग्रीन पे आएंगे। ग्रीन पे आने के बाद अपने फोटो कलर का मतलब मैच कर लेंगे हल्का सा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले पे आ जाएंगे फ्रेंड्स, सैचुरेशन को हल्का से इंक्रीज कर लेंगे, व्यू को हल्का से माइनस कर लेंगे, लुमिनस को हल्का से इंक्रीज कर लेंगे। वहाँ से डन कर देंगे फ्रेंड्स। डन करने के बाद यहाँ से देखिए आ जाएंगे इस पर, हल्का से क्लियरिटी को इंक्रीज कर लेंगे, वाइब्रेट को कम कर देंगे। उसके बाद चले जाएंगे इस पर आने के बाद शार्पनेस को रख लेंगे, यहाँ पर रख लेते हैं हम, मान लीजिए 61 रख लेंगे। उसके बाद नॉइज़ को भी हल्का से इंक्रीज कर लेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद कलर नॉइज़ को, उसके बाद डिटेल्स को फुल कर देंगे, स्मूथ नोट्स को भी 100 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आने के बाद दोनों ऑप्शन को ऑन कर देंगे फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो मतलब हल्का हल्का चेहरे ब्लैक दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, तो उसके बाद यहाँ पे चले जाएंगे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे, ब्रश को चूज़ कर लेंगे, अपने फोटो को जूम करके अपने चेहरे पे से लाइट मार देंगे। उसके बाद लाइट मारने के बाद फ्रेंड्स हल्का सा ब्राइटनेस दे देंगे, कंट्रेस्ट को हल्का से माइनस कर देंगे, हाईलाइट्स को हल्का से माइनस कर देंगे। यहाँ से डन कर देंगे फ्रेंड्स। डन करने के बाद यहाँ से देखिए फोटो एकदम बिल्कुल एडिट हो चुका है। बिफोर आफ्टर देख सकते हैं यहाँ पे, बिफोर ये आफ्टर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, अपने फोटो को सेव टू डिवाइड कर लेंगे।